महला पंजवां गोर अपने ऊपर बल जाइया आठ पहर हर हर जस गाइया गुर अपने ऊपर बल जाइया आठ पहर हर हर जस गाइया सिमरौ सो प्रभु अपना स्वामी सगल कटाका अंतर जामी कर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक मांग संतोर वाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक मांग संतोर वाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जपे ताप गुण सब छपे ऐसे करण कारण दीन दयाल भगत बछला नाथ नाथ जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां च तिलक ते जंजू दे राखे साहिब नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते अमृत वेले तो हाजरियां भर के आप समूह माई भाई अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे सतगुरां दी पावन तुरकी बाणी दे श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हन। साहिब जी वालों बख्शिश किए गए पावन श्री मुखवाक भाई साहब जी की रसना तो आप जी ने हुणे हुणे सरवण किए हैं। कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी दे रचनहार सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दे पवित्र चरणां नाल जोड़िए एकाग्रता बनाओ गुरु पातशाह दे पवित्र चरणा विच अपनियां हाजरियां लवाउंदे होया अपनी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सतनाम वाहे सुहे महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइया सोही राग है पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी ये पावन पवित्र श्री मुखवाक अपने मुखार बिंद चो उच्चारण कर रहे हैं अपने गुरु तो बलिहार जाइए
बलिहार किस तो जाया जाता है, जिस दे अश्चर्य कौतक वेख के, अश्चर्य खेड वेख के, अश्चर्य कला नू वेख के साड़ी सुरती दा बल, बुद्धि दा बल हार जावे। जिथे साड़ी बुद्धि कम ना करे, साड़ी समझ तो परे दा दायरा होवे, उत्थे आपां कहने आ बलियार। सतगुरु जी की जो अश्चर्य उपमा है, विस्मादमई खेड है, उत्थे साड़ी बुद्धि का बल हार जांदा, उन्हूं समझण विच असमर्थ हो जांदी है बुद्धि। असी केवल उन्ना की जानते हैं जिन्ना को सतगुरु जी जनाउंदे है, उस तो वध नहीं। पीर ने गुरु नानक साहब नूं यही सवाल किया सी भी जां तां हजरत मुहम्मद साहब सच कह गए ने जां तुसी सच कहिंदे हो, दोनों विच्चों एक नूं तां झूठ कहना ही पवेगा ना भी यह झूठ है। तुसी लखां पताल लखां आकाशां की गल करदे हो, सत पताल सत आकाशां की गल करदे ने। सतगुरु जी ने बचन किया कि पीर जी जिन्ना को उन्हां नूं परमेश्वर ने जड़ाया उन्होंने उन्ना को वर्णन कर दिता, जिन्ना क सानू जड़ाया उन्ना क असी वर्णन कर दिता। सच्चे वह भी ने ते सच्चे असी भी। जिन्नी क साड़ी बुद्धि दे मंडल दे विच साड़ी पकड़ बनती है असी उन्ना की समझ सकते हैं। समाजिक तौर पर भी बहुत सारा कुछ ऐसा घटता है, जिन्नी क साड़ी बुद्धि पकड़ विच उस चीज़ नूं समझदी है उन्ना किसी समझदे हाँ, किसी दूसरे नाल दे साथी की बुद्धि ज़्यादा पकड़ करदी है और ज़्यादा समझ लेंदा। तो गुरु पातशाह दे जिहड़े अश्चर्य विस्मादी चोज ने, महाराज जी की गत बित है, वो असी पूर्ण रूप च नहीं जाण सकते। जिन्नी क गुरु पातशाह किसी नूं जड़ाउंदे आ उन्नी को जाण लेंदा। इस करके अपने सतगुरां दे सनमुख सिख हाजिर हो के कहिंदा, हे सतगुरु जी मैं तुहाडे तो बलिहार जांदा, तुहाडे तो वारे वारे जांदा हूँ, वारी बंझा कोली बंझा, तू परबत मेरा ओला राम। महाराज तुहाडे तो वारे जाइए, तुहाडे तो बलिहार जाइए, तुहाडे तो कुरबान जाइए। एक बार नहीं लखां वेर करोड़ा वेर तुहाडे तो बलिहार जाइए, हे सतगुरु जी तुहाडे तो बलिहार जाइए। पंचम पातशाह कहिंदे, मैं अपने गुरु तो बल बल जांदा हाँ, बलिहार जांदा हाँ। आठ पहर हर हर जस गईया, और अठे पैर निरंतर एक रस। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा मैं जस गायन करदा, अठे पैर निरंतर एक रस। अठे पैर दा मतलब कि कोई भी श्वास उस वाहिगुरु परमेश्वर की सिमरति और उसकी याद तो बिना बतीत ना होवे, उन्हूं कहिंदे अठे पैर निरंतर चिंतन। महापुरश कहिंदे आ भी लिवतार, तेल दी धारा वत, जिवें एक बर्तन चों दूसरे बर्तन च तेल पाईए तो उहदी धार वेख्यो बड़ी बजमी हुंदी है, उहदे च पाड़ा नहीं हुंदा। तेल दी धारा वत निरंकार दे सिमरन विच वाहिगुरु दे चिंतन च सुरत दा जुड़ जाणा, इहनूं कहिंदे अठे पैर दा चिंतन। जदों कोई पाड़ा ना पवे, कोई आखे कि सुते पिया, जदों कोई सौ जांदा है फिर किवें चिंतन हुंदा। गुरमुख दा सवना भी सहजे हुंदा है, वो जे सुता भी पिया ते तदे भी उस दे अंदर यही ज्ञान है कि मैं इस सुखोपती अवस्था दा अभिमानी साक्षी, इस नूं जानण वाला इस तों वखरा हाँ।
इस नूं जानण वाला इस तों वखरा निराला है। कदे असी सुपना वेखदे हाँ ते सुपने दे वहण विच असी इसे तरह बह जाने, सुपना वेखदे हाँ सानू नहीं पता कि असी सुपना वेख रहे हैं। पर एक प्रकार का यह अभ्यास कुछ साधक करते ने कि सुपना जिस वेले वेखण लगते ने, सुपना आ रहा हुंदा है उस वेले वो चिंतन करते ने कि मैं सुपना वेख रहा, सुपने का दृष्टा हाँ, मैं सुपने दे विच नहीं हाँ, सुपने नू वेखण वाला। उरे अभ्यास कई बार इतना ज़्यादा पक जाता है, परिपक् हो जाता है कि अभ्यास करद्या करद्या जदों कोई सुपने दे वहण विच बहण की बजाय उहदा दृष्टा बन जाता है, एक प्रकार का भी अभ्यास है, तो फिर उस सुपने का वह साक्षी हो जाता है, निराला हो जाता है। इस तरह सुखोपति विच भी ज्ञान की अवस्था विच पहुँचया गुरमुख जन, उहदा भी साक्षी बन जाता, उसनू वेखण वाला उहदा दृष्टा बन जाता, उहदे वहण विच नहीं बहिंदा। तो फिर वो अठे पैर निरंतर वाहिगुरु परमेश्वर का भजन करता। तो महाराज जी कह रहे हैं अठे पैर मैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का जस गाँवदा हाँ। हे भाई तुसी अठे पैर निरंतर अकाल पुरख परमेश्वर का जस गाओ। सिमरौ सो प्रभु अपना स्वामी, मैं अपने स्वामी नू जिहड़ा सारे जगत का प्रभु है, सारे जगत का मालक है, त्रिलोकी नाथ है, पार ब्रह्म परमेश्वर, उस नू सिमरदा हाँ। हे भाई उस प्रभु नू सिमरो, उस निरंकार नू सिमरो जो सारे जगत का स्वामी साडा अपना है, साडा अपना। परमेश्वर नू अपना कहण दा मतलब यह है भी कोई बगाना भी होवेगा, जो असी अपना बनाया होया वास्तविक रूप में सब बगाने ने, उन्हां नाल केवल परालभ दा संबंध जुड़िया होया है। बहुत पुरातन ग्रंथ है प्रेम सुमारग, कलगीधर पातशाह दे ज्योति जोत समावन तो तकरीबन एक डेढ़ दहाका बाद विचों लिखिया गया, मर्यादा रहत बड़े बड़े प्यारे बचन उस ग्रंथ विच लिखे हुए। मनना है कि भाई मनी सिंह जी शहीद, उन्हां दी संगत करन वाले किसी गुरमुख ने वो ग्रंथ लिखिया। भाई मनी सिंह जी ने बहुत भारी साहित रचिया, आप भी बहुत ग्रंथ लिखे, सिखां दी भगत माला लिखी है, इस तरह गुरु नानक साहब की जन्म साखी लिखी है, तो अगे लिखवाया भी। कोयर सिंह ने जो श्री गुरु सोभा ग्रंथ लिखे है, वह कोयर सिंह भाई साहब भाई मनी सिंह का शिष्य से, पुरातन ग्रंथ कलगीधर दे संपूर्ण इतिहास का, गुरु सोभा तो बाद गुरबिलास पातशाही दसवीं कोयर सिंह, गुरबिलास पातशाही छेवीं का जिहड़ा करता है भगत सिंह, वह भी भाई मनी सिंह का सेवक से। तो प्रेम समारग विच वो लिखदे बड़ा सोहना बचन, कहिंदे घर विच पुत्र दा जन्म होवे उस वेले की संस्कार हुंदे ने, पुत्री दा जन्म होवे की संस्कार हुंदे ने, तो बड़ा प्यारा बचन। वो कहिंदे जिस वेले घर विच बालक दा जन्म होवे ते ए ना जाने कि मेरा बालक है, मेरा बच्चा है, ये जाने कि इहदे नाल मेरा संबंध केवल सिक्खी का है, गुरसिक्खी का इहदे नाल मेरा संबंध है, होर इहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं, केवल गुरसिक्खी का संबंध है। ये ना जाने कि मेरा बच्चा मेरा बालक है, ये जाने गुरु का सिख है,
और ये मेरा जोड़ा संबंध है वह गुरु की सिखी करके है, यानी कि ममता ते अहंग भाव तो इतना उच्चा उठ जाए। तो जो असी अपना समझिया होया वास्तविक रूप में सब बेगाने ने, जो अपना है वो असी बेगाना किया होया। इस करके सतगुरु चेते कराते ने अपने स्वामी नूं सिमरो, जो साडा अपना है, जो साडा निज आप है, साडे अंदर बैठा विराजमान है, जो साडा निज आप है उसनूं सिमरो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। उसनूं सिमरो, उसका चिंतन करो। सगल कटाका अंतर जामी, फिर वो संसार दे समस्त घटा दे अंदर दी जानन वाला अंतर जामी, उस तो कुछ लुकया नहीं होया, छुपया नहीं होया, सब घटा दी। घट नाम साढ़े शरीरां दा है, साढ़े घटा दे अंदर साढ़े हिरदिया विच साढ़िया मना च की चलता है, सतगुरु जी अंतर जामी जानते ने। प्रभ मेरा अंतर जामी जान, घट घट के अंतर की जानत। अंतर जामी सब कुछ जान है, सब दया अंदर दी बुझण वाले सतगुरु जी अंतर जामी हैं। असी जो संकल्प करना हुंदा है, सानू नहीं पता कि साढ़े अंदर ये फुरना फुरना है, उस फुरने दे फुरन तो पहले ही सतगुरु जानते ने इन्हें हुणे फुरना करना। ऐसे अंतर जामी सब दिया दिलां दियां बुझण वाले जानी जान हन, उन्हां तो कुछ भी लुकया जां छिपया नहीं होया। इस करके जान लो गुरमुखो कि दुनिया के हर एक व्यक्ति कोलों असी अपने माड़े पाए भैड़े कर्म छुपा सकते हाँ, अपने मंद कर्म छुपा सकते हाँ, पर वो स्वामी जो साढ़े अंदर बैठा साढ़े अंदर दी जानन वाला है, वो तो असी कुछ भी नहीं लुका सकते, अंतर जामी। हाँ जी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत। वाहिगुरु परमेश्वर के जो पवित्र चरण कमल हैं, निरंकार के चरण कमल, वाहिगुरु के पवित्र चरण कमलों के नाल मेरे हिरदे च प्रीत लगी हुई है। प्रीत गुरु चरणा की प्रीत सच्ची प्रीत है और दुवली प्रीत है। जे सिख प्रीत करदा ते गुरु सिख नालों उस सिख नालों दुगनी प्रीत करदा, चार गुणी प्रीत करदा, ये दुवली प्रीत है। जे गुर सिख प्रीत नाल एक पैर पुट के गुरु वल वधदा है ते सतगुरु उस सिख दे प्रेम च करोड़ां कदम वध के उस वल आउंदे हन। तो मेरे साहब दे ऐसे जो पवित्र चरण कमल हन, उना नाल मेरी प्रीत लगी हुई है। संत प्रसाद साची पूर, साची पूरना निर्मल रीत, सच्ची रीत है और यही पूर्ण मर्यादा है। दुनिया में अगर कोई सब तो निर्मल ते पवित्र मर्यादा है ता वो मर्यादा है गुरु दे चरण कमलां दी प्रीत, ये पूर्ण मर्यादा, ये पूर्ण रीत है, ये विच किसी भी प्रकार की ऊणताई नहीं है। संत प्रसाद वसै मन माही, जो संत जना का प्रसाद कृपा हुंदी उन्हां दी संगत करदिआं करदिआं तां संत जना दे प्रसाद नाल कृपा नाल वाहिगुरु परमेश्वर दा जो अमृत नाम है वो मन विच हिरदे विच आ के वसदा।
संत प्रसाद संत जना की कृपा नाल वाहिगुरु परमेश्वर दे चरण कमलां दी प्रीत इस मन विच आ के वसदी है। जनम जनम जाही अहंकार दी प्रीत और उहदा अमृत नाम मन विच आ के वसदा है तां उहदे नाम दी बरकत इह है कि जन्मां जन्मां दे कीते हुए पाप किल विख वह हिरदे विचों दूर हो जाते ने निर्विरत हो जाते। संत जना की कृपा नाल जदों हिरदे च नाम वसदा है तां उस नाम दे हिरदे च वसण की बरकत यह है कि हिरदे विच जो जन्म जन्मांतरां दे कीते हुए किल विख ने किल विख का मतलब होंदा है भी जेड़े पाप जान बुझ के ते मिथ के कीते जान उन्हूं किल विख कहिंदे ने। और ऐसे किल विख पिछले जन्मां विच जो जो असी कीते हन उह साडे अंतशकरण दे विच जमा पए उन्हां नूं संचित कर्म कहिंदे हन। वह जो संचित कर्म ने वह निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर के भजन द्वारा कट्टे जाते ने निर्विरत हो जाते ता जो दोबारा उग ना सकन। बीज है वह सड़ जाता भुनिया जाता वह मुड़ के फल नहीं दे सकता। जिहड़ा बीज भुन दिता जाए वह भुनिया होया बीज उगदा नहीं। तो जितने किल विख ने वह सारे किल विख निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर के भजन द्वारा निरंकार की बंदगी द्वारा कट्टे गए निर्विरत हो गए। कर कृपा प्रभु दीन दयाला ए दीना ते दया करन वाले दयाल प्रभु साढ़े ते कृपा करो। दीना ते भय संयुक्त डरे हुए लोकां ते तुसी दया कर दे तरस कर दे हो जिहड़ा डरिया होया उहदे ते रहम कर दे हो। डरे हुए आए सन पंडित नौवें पातशाह दी शरण च सतगुरां ने तरस कीता महाराज तुसी दीना ते डरिया होया ते सहमिया होया ते अपना तरस करन वाले हो दया करन वाले हो। हे दीना ते दया करन वाले दयाल प्रभु साडे ते अपनी कृपा करो। नानक मंग संत रवाला धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब 657 कहिंदे मैनू की चाहिदा महाराज तुहाडी दया नाल तुसी दया करो मैं तुहाडे कोलों मंगदा हाँ कि मैनू संत जना दे चरणा दी रवाल धूड़ी प्रदान करो साधुआं दे चरणा दी खाक बख्शो। ए दान महाराज जी मैं तुहाडे पवित्र चरण कमलां विच्चों मंगदा हाँ। लड़ीवार कथा राग जैतसरी विच आप जी सरवण कर रहे हो तीन शब्द धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे उचारण कीते हुए राग जैतसरी विच आपां विचार चुके। चौथा शब्द प्रारंभ हुंदा है सरवण करन तों पहलां सतगुरु जी दे पवित्र चरणां च हाजरी लवाओ ते आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाग बा। धन गुरु रामदास जी महाराज धन गुरु रामदास जी महाराज धन गुरु रामदास जी महाराज राग जैतसरी विच ये पावन अमृत बचन उचारण कर रहे 697 अंग ते ए पावन शब्द सुभाए मान
निरंकार दा तरस वरत्या अकाल पुरख की दया हुई ते उस दी दया नाल सानू सतगुरु जी जो सज्जन हन पुरख सब नू भरने वाले हन पूरने वाले हन उस वड्डे सतगुरु पुरख सज्जन दी सानू प्राप्ति हुई। और जिस सतगुरां नाल मिल के हर रसक रसक दा अर्थ है प्रीत प्रेम। सतगुरु जी जदों मिले ते सतगुरां दे मेल नाल सानू हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दी प्रीत प्राप्त होई। जां इस तरह कह लिए कि हरि दी प्रीत साडे हिरदे च लग गई, निरंकार दा प्रेम हिरदे च लग गया। जदों हरि वाहिगुरु परमेश्वर दे प्रेम ते प्रीत दा रस लगा ते फिर रसक फल लागबा, जेड़ा आनंद दा फल सी रसक दा। दूसरे रसक दा अर्थ कीता बा पुरशा संप्रदाय विद्वाना ने परम आनंद। परमेश्वर दी प्रीत जदों साडे हिरदे च लगी ता वाहिगुरु परमेश्वर दे परम आनंद दा जेड़ा फल सी ओ फल सानू लग गया, यानी कि ओ फल सानू प्राप्त हो गया। परमेश्वर दी दया नाल पहले सतगुरु पुरख सज्जन जी मिले जो सारयां दे सज्जन ने। सतगुरु जी तां किसे नाल वैर नहीं करदे, इस करके सज्जन ने किसे नाल भी सतगुरां दा वैर नहीं। कोई आखे जे सतगुरां दा किसे नाल वैर नहीं ते कमान पकड़ के तीर चाढ़ के तंदी दे उत्ते क्यों छड़दे ने कलगीधर स्वामी, क्यों गुरु हरगोबिंद साहब जी तलवार पकड़ते हैं आउंदे होए नू कट दिंदे हैं, पैंदे खां नू अपने तेगे नाल झटक दिता, काले खां नू झटकिया, काबल बेग नू लल्ला बेग नू कंबर बेग नू मारिया, क्यों ऐसा कीता? जे सतगुरां दा किसे नाल वैर नहीं, उह सब दे सज्जण ने, तां ऐसा है सतगुरु जी शीशे वांगू हैं, सब दे सज्जण ने। पर जैसा कोई मुख लैके आवेगा ते सानू तैसा ही अपना मुख दिसना, जिन्हें टेढ़ा मेढ़ा मूँह करके आना उदा का दिसना। वो विरती ये लैके आए कि असी गुरु साहब दे वैरी हाँ, सतगुरु जी वैरी नहीं हैं, सतगुरु जी सतगुरु फिर भी सज्जण ने, पर वो विरती लैके आए ने कि सतगुरु जी साडे दुश्मन ने। वो अपने हिरदे च दुश्मनी का भाव लैके आए ने, इस करके सतगुरु जी उन्होंने अपने दुश्मन ही नज़र आ रहे। ते फिर जिन्हां नूं सतगुरु जी अपने तीरां नाल मार रहे ने, जिस पैंदे खां नूं अपनी तलवार नाल मारन लगदे है ते कहंदे आ पैंदे आ पढ़ लै कलमा, ते पैंदा अगो हथ जोड़ के उसे वेले बोलिया महाराज तुहाडी तलवार ही हुण मेरे लिए मिश्री कलमा हन। वो वैर रख के आए ने, दुश्मनी रख के आए ने, पर सतगुरु जी फिर भी उन्होंने मोक्ष ते मुक्ति प्रदान कर रहे ने। सतगुरु सब दे सज्जण ने, सतगुरु सबना का भला मनाएगा। महाराज जी तो सब दे भला मनते हैं, मनते ही नहीं हैं, मनाते ही नहीं हैं, भला करते भी हैं। तो ऐसे सज्जन सतगुरु जी ने साडे ते तरस कीता, हरि दी प्रीत जदों साडे हिरदे विच लगी तां फिर परमेश्वर दे परम आनंद दा जिहड़ा फल सी ओ लागबा, ओ सानू लग गया, ओ सानू प्राप्त हो गया। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। माया रूपी पुयंग सप ने इस जीव नू ग्रसया हुआ, माया सरपणी, माया सप है, नाग है बड़ा जहरीला,
और इस माया रूपी सप ने इस जीव नूं ग्रसिया है। गुरु रामदास पातशाह कहिंदे पर जदों कोई सिख सतगुरु जी दे गुरु के बचन सुनदा है, गुरु के बचना दा आसरा ग्रहण करदा है, तां गुरु दे बचना नाल कहिंदे इह जिहड़ा विष है, जहर है इस माया दे सप दे डसे होए दा, ये जहर गुरु के बचना नाल अंदरों काढ़वा निकल जाता, कढ देंदे ने सतगुरां दे बचन माया दे इस जहर नू, माया रूपी सप दे इस जहर नू कढ़ देंदे ने जग्यासू दे हिरदे चों जदों गुरु के बचन वस जाण। जिवें सप दे डसिया दा एक मंत्र पढ़िया जाता गरुड़ मंत्र, उस मंत्र नाल उह जहर कढ़ दित्ती जांदी है ना, वह बिख कढ़ दिता जाता है। तैसे माया रूपी सप ने जिस जीव नूं ग्रसिया होया उहदे अंदर जिहड़ा उहदा जहर ते बिख चढ़िया होया वह बिख सतगुरां दे बचना नाल दूर हो जाता, अंदर बिरत हो जाता। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, गुरदेव दे पावन बचना दे द्वारा वह बिख वह जहर हरी जी हिरदे चों कढ़ देंदे हन। मेरा मन राम नाम रस लागबा, मेरा ये मन राम दे नाम दे रस विच लागबा लगा हुआ, लागबा बड़े प्यारे अमृत बचन सतगुरु, ये भी एक इलाके की बोली, लागबा मेरा मन राम नाम रस लागबा, मेरा मन राम दे नाम दे रस विच उस दे आनंद विच लगा होया है। हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर, हर नामे हर रस चाखबा। हरी वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू पततां नूं पवित्र कर दिता, गुरु साधु ने, साधु गुरु का मतलब सिद्ध गुरु पूर्ण गुरु, जिस विच रंचक भर भी उणताई ना होवे उहनू साध गुर कहिंदे आ। साध गुर, साध गुर का मतलब सिद्ध गुरु, यानी कि गुरु सिद्ध होवे, सिद्ध तो भाव संपूर्ण पूर्ण, जिस विच कोई उणताई नहीं। जदों ऐसे साध गुर नाल मिले ता हरी ने साडे वर्गे पततां नूं पवित्र कर दिता। हर किए पतत पवित्र, हरी ने साडे वर्गे पतत जीवां नूं पापी जीवां नूं पवित्र कर दिता। ते फिर की होया, हर नामै हर रस चाखेबा, हरी वाहिगुरु परमेश्वर दा जिहड़ा अमृत नाम है उस हरी दे नाम रस नूं असीं चाखबा चखिया। गुरु ने तरस किया सतगुरां दी दया नाल, जदों असीं पततां तों पुनीत हो गए तां फिर हरी वाहिगुरु परमेश्वर दे पवित्र अमृत नाम दे रस नूं चखिया। धन धन वड भाग मिलो गुर साधु, मिल साधु लेव उन मन लागबा। धन हन, धन हन उन्हां दे वड्डे भाग हन, सबाश है उन्हां नूं, सबाश है उन्हां नूं, किन्हां नूं, जिन्हां नूं पूर्ण गुरु साधु मिले हन, जिन्हां नूं पूरे गुरु दा मेल प्राप्त होया वो वड्डे भागां वाले हन। धन हन उन्हां दे भाग वड्डे हन, ते जदों ऐसे गुरु नाल मिले ते ऐसे गुरु नाल मिल के ये जिहड़ी लिव सी ना उनमनी अवस्था विच लग गई, उनमान। वैसे उनमान दा अर्थ आम करके साडी पंजाबी बोली विच कीता जांदा उखड़िया मान, जदों कोशकारी दे मुताबक इहनूं वेख्या जांदा है तां उनमान दा अर्थ कीता जांदा उखड़िया होया मन। जिवें कहिंदे यार अज मेरा मन उनमना जिहा हो रिहा है, यानी कि उखड़िया जिहा होया। योग मत दे अनुसार उन मनी एक अवस्था है,
ਮਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ? ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਨਮਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ, ਆ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਂਗਲ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਦਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਨਮਨੀ ਮੁਦਰਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਰੁੰਬਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੱਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਉਹਨੂੰ ਉਨਮਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਨਮਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਨ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ ਮਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਵੰਧ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਉਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਨ ਮਨ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਸ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਜਾਈਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖੋਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗ ਗਏ, ਸੁਪਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਹੈ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ ਮਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਸੀ ਉਹ ਉਨ ਮਨ ਲਾ ਗਏ, ਵਾਹ ਉਨ ਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਤੁਰੀਆ ਪਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਧਿਆਨ। ਪਰਮ ਪਦਵੀ, ਤੁਰੀਆ ਪਦਵੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗੀਸ਼ਰ ਬਾਛਦੇ ਹਨ, ਲੋੜਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨਾ ਬੁੱਝੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਬਾ। ਹਰੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਵੈ ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਹਰੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਹਰੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮਲਨ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਮਲਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਮਲਨ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ?
इदा तो बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी विखाते असी बड़े सबर संतोख वाले हाँ जो उन्होंने सत्ता मिलती है कि वह बाद सबर संतोख वाले रेंदे है साड़िया अखा के सामने वेखते हैं वर्तारा पहला यही विखाया जाता असी रजे पुजे हाँ कोई अफसर शाही दे विच वड्डे अफसर अहुदे ते पहुंचिया कहिंदा साडे घर विच सानू पहला ही बहुत कुछ है बड़ी जदाद जमीन असी पहला ही रजे पुजे हाँ जदों पहुँच जाता किसी पदवी ते किसी रुतबे ते कि बाद विच उसे तरह सबर संतोख च रहिंदा नहीं रहिंदा कोई विरला होवे तां होवे यानी कि संसारी मनुखां दे जिहड़े गुण ने वह निर्मल नहीं रह सकते क्योंकि वह पता नहीं किहड़े वेले तब्दील हो जाण बदल जाण निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर दे गुण निर्मल ने क्योंकि जो अज तो हजारां साल पहला स्पष्ट सन अज भी उस तरह ने ते लखां साल गुजर जाण तो बाद भी उस तरह ही रहणगे वो तब्दील नहीं हुंदे वो सदैव भी उस तरह ने तो निर्मल वाहिगुरु परमेश्वर हरि दे जिन्हां निर्मल गुण गाए ने गाए हन उन्हां दे हिरदे विच्चों तृष्णा की अग बुझ गई तृष्णा अगन बुझी उन्हां दे अंदरों तृष्णा की अग बुझ गई शांत पाई उन्हां दे हिरदे शांत हो गए उन्हां नूं शांति जदों अग बुझेगी तो शांति तो होनी जिथे अग दे भांबड़ मचदे होण उत्थे कित्थे शांति उस अग की लू नाल ही लुछ लुछ मरदे ने जीव जदों बुझ जाए तो फिर शांत हो जाती है फिर शांति वरत जाती है तो सतगुरु जी कहिंदे कि अकाल पुरख के निर्मल गुण गायण नाल जिन्हां जिन्हां गाए असी भी गायबा गाउंदे हाँ गा के साढ़े अंदरों जिहड़ी तृष्णा की अग सी वह बुझ गई है और हिरदा शांत हो गया है तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्श ना पाए बा तिना दे भाग छीन ने जां इदां कह लिखीन दा मतलब माड़े भाग ने उन्हां लोकां दे आखो सतनाम श्री पातशाह कहिंदे माड़े भाग ने तुर दरगाह तो ही माड़े भाग लै के आए इहो जिहे बंदे इत्थे नहीं बने कहिंदे तुर तो ही लैके आए ने तुर तो ही उन्होंने भाग माड़े ने तिनके भाग खीन तुर पाए तुर का मतलब मुढ तो ही तुर तो ही उन्होंने भाग खीण ने माड़े भाग ने किना दे जिन सतगुर दर्स ना पाए बा वेखो महाराज जी कैसी सोहनी इत्थे व्याकरण भी नाल वरतदे आ दरस दे सस्से नूं ओंकड़ ला के अगे नन्ना नखेड़ दिता वखरा कर दिता भी जे किते सस्सा मुक्ता कर देण ते नन्ना नाल जुड़ जाएगा ते बन जाएगा दर्शन ते फिर अर्थ जिहड़ा अनर्थ हो जाएगा वेखो एक ओंकड़ नाल ही किन्ना फर्क पै जांदा सस्से नूं लगी ही ओंकड़ जिहड़ी अगे नन्ने नूं नखेड़ दिंदी है हाँ सारे पासे गुरबाणी च व्याकरण दा क्योंकि गुरबाणी दी व्याकरण बाद विच बनी मनुख कृत है व्याकरण गुरबाणी ईश्वर कृत है व्याकरण नूं पूर्ण तौर ते गुरबाणी ते लागू नहीं कर सकते गुरबाणी सुतंत्र है पर असी अपने रस लई किते किते भी साडी जानकारी हित असी उह व्याकरण गुरबाणी दी बनाई तां जो साडी समझ विच थोड़ी बहुती गल पै सके जिन्हां दे भाग माड़े हन महाराज जी कहिंदे उन्हां नूं सतगुरु जी दे दर्शन प्राप्त नहीं हुंदे तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्स ना पाए बा जिन्हां नूं सतगुरां दा दर्श नहीं पाया प्राप्त होया उन्हां दे भाग तुर दरगाह तो ही माड़े ने मुढ तो ही माड़े ने ते जिन्हां दे भाग सवल्ले जिन्हां दे भाग चंगे वह भी तुर दरगाह तो ही पए हुए ने उन्हां नूं सतगुरां दे दीदार गुरु के दर्शन प्राप्त हुंदे वो तो दर्शन करदे आ कहिंदे हन दर्शन देख जीवा गुर तेरा
दर्शन देख जीवा गुर तेरा, 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 दर्शन देख जीवा गुर तेरा। महाराज तुहाडे दीदार करके असी जूंदे हाँ, ये वड्डे भागां वाले सिख ने, ते जिन्हां दे माड़े भाग ने जीवां दे उन्हां नूं कदे सतगुरां दे दर्शन प्राप्त नहीं हुंदे। ते दूजा भाई पवहै ग्रभ जूनी, इहो जिहे जिहड़े मनमुख ने जिन्हां नूं सतगुरां दे दर्शन नहीं हुंदे, पातशाह कहिंदे उह हमेशा दूजे भाव च दुबदा च पए रहिंदे हन। दूजा भाए दूजे भाव विच पए होए, दुबदा च पए होए गर्भ जोनियां च पैंदे ने, पवहै गर्भ जोनी, ओ गर्भ जोनियां दे विच भटकदे हन। सब बिरथा जन्म तिन जाएबा, और उहनां दा सारा मनुखी जन्म व्यर्थ चलिया जांदा है, उहनां दे सारे मनुखी जन्म व्यर्थ ते फजूल चले जांदे हन। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवहै, हम हर मीठ लगाए बा। महाराज हे सतगुरु जी, हे हरि जी, कृपा करो सानू सतगुरु साधु नाल मिलाओ। हे हरि जी साढ़े ते कृपा करके सानू बिमल मत दिओ। बिमल दा मतलब निर्मल मत बख्शो, सा मत श्रेष्ठ मत, निर्मल बुद्धि बख्शो महाराज सानू, विवेक बुद्धि प्रदान करो, जिस बिमल मत नू प्राप्त करके असी गुरु साधु दे चरण सेवीए। गुरसाध पग सेव है, गुरु साधु दे चरण सेवीए। और महाराज साढ़े ते तरस करो, साढ़े ते कृपा करो, ऐसे गुरु साधु दे चरण असी सेवीए जिस गुरु ने हे हरि जी तुहाडा नां सानू मिठा ला दिता है। हर मीठ लगाए वा, महाराज हरि जी तुसी सानू मिठा करके ला दिते हो, जिस गुरु ने सानू तुहाडे नाल जोड़ दिता है। कृपा करो सानू एहो जी बिमल मत प्रदान करो कि ऐसे गुरु साधु दे चरणा नू असी सेवीए। जन नानक रीन साध पग मांगा, हर हुए दयाल दिवाए बा। तन श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाउंदे हन कि मैं साधु जना दे चरणा दी रैण धूड़ी मंगदा। महाराज मैनू साधुआं दे चरणा दी धूड़ी बख्शो, और इस दे नाल नाल कहिंदे हर होए दयाल दबाए बा। महाराज अगां वास्ते भी दयाल होए हो जाए कि अगां वास्ते भी मैनू गुरु साधु दे चरणा दी धूड़ी बख्श दे रहे हो जाए। हुण तां बख्शो ही, हुण तां मेरी प्रीत लगे ही साधु गुरु साधु दे चरणा नू सेवदा रहा। जिहड़ी महाराज मेरी आउण वाली जिंदगी है, मेरा आउण वाला जीवन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਰਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇਖੇ ਮਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। करनो निद आवै ताए, करनो निद आवै ताए, करनो निद आवै ताए, करनो निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय।